हाय गाइस, माय नेम इज़ दारा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जो कि है OnePlus Nord 3। गाइस, ये स्मार्टफोन को लेकर काफ़ी कुछ लीक्स निकल के आए हैं। क्या इसमें स्पेसिफिकेशन रहने वाला है, किस प्राइस पॉइंट पर आने वाला है और इंडिया में कब लॉन्च होने वाला है, इसके बारे में कम्प्लीट डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो गाइस, वीडियो में बने रहिएगा। गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो आपको जो पहले की नॉट सीरीज के फ़ोन थे, नॉट 2 और नॉट 2T, ये सब में आपको 6.4 इंच का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, लेकिन नॉट 3 में आपको 6.7 इंच का सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है। कर्व डिस्प्ले आपको नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि आपको इसमें फ्लैट डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। तो गाइस, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, तो लीक होकर आया है कि आपको मीडियाटेक का फ्लैगशिप चिपसेट डायमेंसिटी 9000 मिलता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। बात करते हैं रैम और रोम के बारे में, तो गाइस, लीक होकर आया है कि ये स्मार्टफोन आपको दो वेरिएंट में देखने को मिल जाएंगे, जो कि है 8GB+128GB एंड 12GB+256GB। गाइस, आपको इसमें डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। SD कार्ड स्लॉट इसमें देखने को नहीं मिलने वाला है। इसमें आपको LPDDR4 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, अगर हम बात करें कैमरास की, तो आपको इस स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसमें है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद OIS, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। गाइस, सेल्फी कैमरा की अगर हम बात करें, तो आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। गाइस, एंड्रॉयड वर्जन और UI की अगर हम बात करें, तो आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 13 देखने को मिलेगा, जो कि ऑक्सीजन OS में रन करेगा। सेंसर आपको यहाँ पर सारे देखने को मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का फीचर, डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। और लकीली बताया जा रहा है कि आपको इस स्मार्टफोन में अलर्ट स्लाइडर का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। अगर हम बात करें बैटरी लाइफ के बारे में, तो गाइस, यहाँ पर बैटरी में भी काफ़ी इम्प्रूव किया गया है। आपको इस स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी टाइप सी पोर्ट के साथ देखने को मिलने वाली है। गाइस, ये डिवाइस सपोर्ट करेगा 80 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग को, तो गाइस, 80 वोल्ट के फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। गाइस, ये थे ओवरऑल स्पेसिफिकेशन जो कि लीक्स होकर आए थे अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus Nord 3 के बारे में, जो कि मैंने आपको बता दी है। तो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में, कि ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में कब देखने को मिल सकता है और क्या प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो गाइस, लीक्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ कि ये स्मार्टफोन हमें मार्च या अप्रैल के मंथ में देखने को नहीं मिलने वाला है। गाइस, ये स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में जून से जुलाई के मंथ में आपको देखने को मिल सकता है। साथ अगर हम बात करें इंडिया में क्या प्राइस के साथ ये स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, तो गाइस, आप सबको भी पता है कि नॉट सीरीज के स्मार्टफोन की प्राइस 20 से लेकर 30,000 के अराउंड रहती है। तो गाइस, यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस है 30 से लेकर 32,000 के आसपास स्टार्ट हो सकती है। अब बात कर लेते हैं आपको इस स्मार्टफोन का इंडिया में वेट करना चाहिए, तो गाइस, डेफिनेटली अगर आपका बजट 30,000 से 32,000 के बीच में है और आपको OnePlus का ही फ़ोन लेना है, तो आप डेफिनेटली इसका वेट कर सकते हैं। अगर आपका बजट 40,000 के आसपास है, तो आपको OnePlus 11R इसे बेटर ऑप्शन रहने वाला है। तो गाइस, आप मुझे बताना कि अपकमिंग स्मार्टफोन OnePlus Nord 3 के जितने स्पेसिफिकेशन लीक होकर आए हैं, उस हिसाब से आपको ये स्मार्टफोन कैसा लग रहा है, ये स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन के साथ इंडियन मार्केट में ये किस प्राइस में आना चाहिए, इसके बारे में आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको अगर ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय।